जाइए सर, बैठ जाइए। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो? ठीक हो? सब हेलो हेलो, सब लोगों को मेरी नमस्कार। आज यहाँ पे प्रजापति चौक पे आके आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को याद है जी, मैं कई साल पहले भी आया था यहाँ, आपको याद है? पहले राउंड आपका हुआ था, सबसे पहले मैं पूरा गया थी जी, हमें पानी की बड़ी दिक्कत थी। मैंने आपको पूरा पेश किया था प्रदेश विधान परिषद, तो आपने वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी तो आपको पानी मिलेगा। मिल रहा है? मिल रहा है जी, पानी मिल रहा है। मैं आया था पिछली बार, मेरे को याद है, दोपहर का टाइम था, 2 बजे का, और मैं देख रहा था कई बच्चे अपने साइकिलों के ऊपर कनस्तर लेके पानी लेने जा रहे थे, और यहाँ तक कि जिनके घर में पैसा अच्छा उनके घर में भी पानी नहीं था। और मैं वादा करके गया था 2013 में पानी आ जाएगा, तो पानी आ गया ना सबका, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा। अब आपके पास आया हूँ, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, दिल्ली में कूड़ा कूड़ा हो रहा है चारों तरफ, बहुत गंदगी हो रही है चारों तरफ, कूड़ा कूड़ा हो रहा है। एमसीडी का काम है, इन्होंने करानी, एक मौका दे दो। आज आपके यहाँ प्रजापति मोहल्ले में कह के जा रहा हूँ, आप मौका दे दोगे मैं कूड़ा साफ कर दूंगा पूरी दिल्ली का। जैसे आपने पानी का वादा किया था, हमने भी आपका मतलब जिता के दिखाया, क्योंकि पहले कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी, हमें कोई यहाँ पे ना पानी मिला, ना बिजली मिली, ना सीवर सफाई हुई, और जब आपके हुई थी हमें आपकी सरकार आई, हमें पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, और सीवर भी मतलब तो अब अपने को दिल्ली की सफाई करनी है जी। मेरा दिल बड़ा तकलीफ होती है जब मैं दिल्ली में जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ देखता हूँ, मेरा बस नहीं चलता। मुख्यमंत्री होके भी मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि नगर निगम का काम है। अब नगर निगम में आप लोग एक मौका दो, 5 साल में दिल्ली को साफ सुथरी बना दूंगा, चमका दूंगा पूरी दिल्ली को। आपका बिजली का बिल 0 किस किस का आता है? सब लोगों का 0 आता है ना। ये बीजेपी वाले मेरे को बहुत गाली देते हैं, कहते हैं बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना बिजली फ्री। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में कई मेरे को माताएं मिली, वो सारी तीर्थ यात्रा होके आई हैं, बड़ी आप भी हो गया हो, अच्छा है ना, मजा आया ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुविधा मिली हमें, एक बार और करा के लाऊंगा, अच्छा मिला। आप भी हो क्या हो? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने तो हर घर में यात्रा करा रखी है। दोबारा जाना सर, हमारे गांव की लड़कियों ने ना सरकारी स्कूल में राजपथ पर परफॉर्मेंस भी दी है, पहली बार वो 75 साल में जो गांव के लड़कियों को आया। हाँ, माइक माइक खोला है। हाँ, काफी खोला है, बहुत बढ़िया खोला है, इतना बढ़िया सुविधा मिली है, बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग औरतें, लेडी है, डॉक्टर जाती है, घर से बाहर नहीं निकलते, मोहल्ला क्लिनिक मिल जाता है, फ्री इलाज हो रहा है, फ्री इलाज हो रहा है, और बढ़िया हो रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, दवाइयां फ्री मिल रही है, पानी सब चीज की मौत कर देती है, स्कूल है। एक मिनट, माइक चला रहा हूँ, हमारे यहाँ जो स्कूल है ना सरकारी स्कूल, आपने इतना बढ़िया बनवाया, सौरभ भागवा दिया हमारे यहाँ पे एमएलए बने,
इन्होंने सुकून इतना बढ़िया कर दिया है, लोग बाहर से जाते हैं वो भी तारीफ करते हैं कि सुकून इतना बढ़िया बन गया है, इससे बढ़िया सुकून हमने देखा भी नहीं। बहुत अच्छा कहाँ गए थे? रामेश्वरम। अब आपको सबको अयोध्या मंदिर के दर्शन करा के लाऊंगा, साईं बाबा भी लेके जाऊंगा, साईं बाबा भी लेके जाऊंगा। कहाँ गए हो? कभी मैं गया था रामेश्वरम, गया था, मुझे इतना बढ़िया लगा रामेश्वरम जाने में। ट्रेन में कोई चटनी नहीं, पानी कोई चटनी नहीं, चाय पानी कोई चटनी नहीं, बहुत अच्छा बहुत। नमस्ते जी, अब आपका पानी का इंतजाम कर दिया, अब कूड़ा साफ करना है। इस बार एमसीडी में मौका दे दो, पूरी दिल्ली को चमका दूंगा। ये भी चाय की दुकान इनकी है, तो अच्छा चाय बहुत अच्छी है जी आपकी। बताओ कुछ कहोगे तो? सर 22 साल इनके घरों पानी नहीं था आपकी सरकार। अच्छा पानी की दिक्कत हमें भी है, ऊंचाई पे है। हाल खेत की मौज है।